नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त देश में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। इसके साथ ही तमाम त्योहार लोग अपनों के साथ कोरोना नियमों को देखते हुए मना रहे हैं। इन दिनों चैत्र नवरात्र चल रहे हैं। आमतौर पर नवरात्रों में देश भर में उत्सव दिखाई देता है, लेकिन 2 साल से कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा। कोरोना की बात तो हम लगातार कर रहे हैं, आज हम लेकर आए हैं कुछ खास। सबरीमाला मंदिर के बारे में आप सबने सुना होगा और सुनते ही जहन में ख्याल आता है, अच्छा वही मंदिर जहां महिलाओं की एंट्री नहीं होती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी एक और माता का मंदिर है जहां महिलाओं की एंट्री नहीं होती? अगर नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। देश का अनोखा मंदिर, साल में सिर्फ 5 घंटे के लिए खुलते हैं कपाट। मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और पूजा पर रोक। निरई माता को नहीं चढ़ता सुहाग का समान। भारत में अनेकों मंदिर हैं और भारत को मंदिरों का देश यूं ही नहीं कहा जाता। देश भर में ऐसे ढेरों मंदिर मौजूद हैं जिनकी कोई ना कोई खास वजह है या फिर कोई खास रहस्य। कोई मंदिर सालों भर खुला रहता है तो किसी मंदिर के कपाट सर्दियों में बंद हो जाते हैं और सिर्फ गर्मियों में खुलते हैं। देवी मंदिरों की बात करें तो भारत में 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं और हर मंदिर की अपनी अलग विशेषता है, लेकिन आपको मंदिरों में भीड़ जरूर देखने के लिए मिलती होगी। साल में सिर्फ 5 घंटे के लिए खुलता है ये मंदिर। इस वक्त देश में चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। इस खास मौके पर आज बात एक ऐसे मंदिर की जिसके कपाट साल में कुछ महीने, कुछ हफ्ते या कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ 5 घंटे के लिए ही खुलते हैं। हालांकि ये सारी जानकारी हम कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दे रहे हैं। कहा जाता है कि इस 5 घंटे के समय में ही हजारों भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। ये अनोखा मंदिर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से 12 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर में देवी मां की एक प्रतिमा है जिन्हें लोग निरई माता के नाम से पुकारते हैं। देवी का अनोखा मंदिर जहां सुहाग का समान नहीं चढ़ता। वैसे तो प्रसिद्ध मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा के लिए दिन भर लोगों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। वहीं निरई माता का मंदिर चैत्र नवरात्रि में किसी एक विशेष दिन ही खुलता है और वो भी सुबह 4 बजे से सुबह 9 बजे तक, सिर्फ 5 घंटे के लिए। रिपोर्ट्स के अनुसार बाकी दिनों में इस मंदिर में आना प्रतिबंधित माना जाता है। वैसे तो आपने देखा होगा कि अनेकों देवी के मंदिर में सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है, लेकिन बाकी मंदिरों की तरह इस मंदिर में सिंदूर, कुमकुम और श्रृंगार या सुहाग का सामान नहीं चढ़ता बल्कि सिर्फ नारियल और अगरबत्ती चढ़ाकर माता को प्रसन्न किया जाता है। वहीं लोक कथाओं और मंदिर के आसपास मौजूदा लोगों की माने तो निरई माता के मंदिर में हर साल चैत्र नवरात्रि के समय अपने आप बिना तेल के एक ज्योति प्रज्वलित होती है और ये ज्योति कैसे जलती है ये अब तक एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा निरई माता के मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और पूजा पाठ पर पूरी तरह से रोक है। यहाँ सिर्फ पुरुष ही पूजा करने के लिए आ सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में मांगी गई मन्नतें और मुरादें जरूर पूरी होती हैं। इस वीडियो में दिखाया गया कंटेंट रिपोर्ट्स के आधार पर है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें।